बिन्नी अब रोना बंद भी करना। क्यों नहीं रो, इतनी खुदगर्ज हो सकती है क्या वो? मेरे बारे में भी नहीं सोचा उसने, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। जसीम जैसे इतने अच्छे लड़के का रिश्ता ठुकरा रही है, उसने एक बार मेरे लिए भी नहीं सोचा ना कि असीम मेरा देवर है। नो वे बिन्नी, तू अलग ही ट्रैक पे जा रही है। तब्बू क्या इसीलिए हाँ कहेगी क्योंकि असीम तेरा देवर है? क्यों, क्या असीम में अच्छी क्वालिटीज नहीं है? है, in fact he's sweet, he seems perfect, लेकिन फिर डब्बू ने मना क्यों किया? कहीं डब्बू को कोई और तो नहीं पसंद? अरे कैसी बातें करती हो तुम चंडी, ऐसी कोई बात होती तो वो क्या हमसे छुपाती? पर बाय गॉड, जो कुछ भी हुआ ना पापा, वो बहुत ही गलत हुआ। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने ससुराल में? पता नहीं कितना सुनाएंगे ये लोग मुझे, कितने ताने देंगे पापा। बस भी घर बेटा, बस कर। देखो असीम का खुद फोन आया था मुझे, खुद बात बताई उसने मुझे ये। उसकी बातों से तो मुझे यूं लगा कि उसने हालात को अच्छी तरह से स्वीकारा है। बहुत समझदारी से ली है उसने ये बात। वो डब्बू का नजरिया बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। वो जानता है डब्बू ने क्यों मना किया। क्योंकि माँ, असीम हीरा हीरा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या असीम की बेइज्जती नहीं हुई? अब आप सोचो, मेरी बहन के कारण मेरे देवर को शर्मिंदा होना पड़े, क्या ये सही बात है? पता नहीं डब्बू के दिमाग में चल क्या रहा है। अब बस भी करो ममता जी, हम ही उसके पीछे पड़े थे ना कि फैसला लो फैसला लो, तो उसने फैसला कर लिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि उसके फैसले का मान करके उसका साथ दे। हो सकता है कि इस वक्त वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हो। अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। So, as you all know, कल शिमला में ऑल इंडिया प्रेस्टीजियस जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस है और मुझे अपने साथ एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर जाना है। आप लोग जो है मौजूद है बहुत ही काबिल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ एक ही कलीग ले जाना अलाउड है और जिसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं उसका नाम है विपुल चौधरी। मैं जानता हूं सर ये आपका डिसीजन है, आपसे पर्सनली आकर रिक्वेस्ट करने का मेरा कोई हक नहीं है, पर सर मैं कई सालों से इस चैनल में हूं, कभी कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। हर बार ये नए लोग आकर बाजी मार जाते हैं। जहां तक सर आपके बारे में मैंने सुना है, आपको इस तरह की नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपसे मिलने चला आया। मैं सीनियर हूं और मुझे मौका मिलना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जिस चीज के लिए मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। तुम्हारी सीनियोरिटी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। दिलन सर, तेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है डब्बू। वैसे भी ये तो उन्होंने कितनी बार जताया भी है ना, तू ही फालतू में आस लगाए बैठी थी। काश मैं तुम्हें सेलेक्ट कर पाता देवजानी।